नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न स्पेशल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BBA के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा BBA होता क्या है, BBA के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, BBA के लिए कौन कौन से इंट्रेंस एग्जाम होते हैं और BBA करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, स्कोप क्या है। तो इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ BBA होता क्या है। दोस्तों BBA एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएटेड कोर्स होता है जिसका पूरा नाम बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। दोस्तों BBA में आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। दोस्तों अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, ह्यूमन रिसोर्सेस या फिर इंटरनेशनल बिजनेस जैसे फील्डों में जाना चाहते हैं तो आप BBA कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं BBA करने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों BBA करने के लिए आपको 12th पास आउट होना चाहिए और 12th में आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो या फिर आर्ट्स से हो, आप BBA कर सकते हैं। हाँ लेकिन ज़्यादातर कॉमर्स वाले स्टूडेंट ही BBA करते हैं क्योंकि कॉमर्स वाले स्टूडेंट को 12th में अकाउंटिंग या बिजनेस जैसे चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट ज़्यादातर BBA करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से इंट्रेंस एग्ज़ाम है जो क्लियर करके आप BBA कर सकते हैं। दोस्तों बहुत से कॉलेज हैं जिसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जिनमें आप इंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे कर एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंट्रेंस एग्ज़ाम है जो क्लियर करके आप BBA कर सकते हैं। तो यही कुछ इंट्रेंस एग्ज़ाम है जिससे अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप एक अच्छे कॉलेज से BBA कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि BBA करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों तो BBA करने के बाद आप जॉब कर सकते हैं। आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए जॉब कर सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए जॉब कर सकते हैं, प्रोसेस एनालिस्ट के लिए जॉब कर सकते हैं या फिर ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजर के लिए भी जॉब कर सकते हैं। दोस्तों और भी बहुत सारे पोस्ट हैं जिसके लिए आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर सैलरी की बात करें तो शुरुआती में आप लगभग 12 से 18 हज़ार तक कमा सकते हैं, बट जैसे जैसे आप वर्क करेंगे वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी। दोस्तों अगर आप अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं तो आप MBA भी कर सकते हैं। BBA के बाद MBA एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, ज़्यादातर स्टूडेंट BBA के बाद MBA ही करते हैं। हाँ लेकिन दोस्तों अगर आप BBA के बाद MBA करते हैं तो किसी अच्छे कॉलेज से ही करें, वरना BBA के बाद MBA करने का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दे और फ्रेंडों के साथ शेयर कर दे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।